आज सुबह दिल्ली से चलकर भटिंडा के रास्ते सूरतगढ़ को जाने वाली मालगाड़ी सिंहपुरा गांव के पास पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के 6 वैगन पटरी से उतर गए, जिस कारण रोहतक जींद मार्ग बाधित हुआ। इस दौरान जींद साइड से आने वाली 2 रेलों की दूसरी पटरी से रवाना किया। दिल्ली से चलकर भटिंडा के रास्ते सूरतगढ़ जाने वाली ट्रेन सिंहपुरा के पास पटरी से उतर गई। मामले की सूचना मिलते ही आरपीएफ और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। रेल कर्मचारी सूचना मिलने के बाद पटरी की मरम्मत करने पहुंच गए। पटरी से उतरने के बाद लगभग 4 घंटे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। आज सुबह 7:45 बजे की घटना है। 6 वैगन गिरे हैं, हमारे आपके सामने मौजूद हैं। हम लोग कोशिश अभी हम लोग साइट पर आए हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या हुआ है और कितनी देर समय लगेगा, तो थोड़ा समय हम लोग को दीजिए। अभी हम लोग असेसमेंट करके फिर बता पाएंगे क्या हुआ। सर, ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये ट्रेन हमारी दिल्ली साइड से आ रही थी और जा रही थी आगे भटिंडा की तरफ जा रही थी। सूरतगढ़ जा रही थी। SOG का लोड है ये, ठीक है। कार्य चालू कर दिया हम लोगों ने। हमारी डाउन मेन लाइन वर्किंग में है, हमारी गाड़ी इसी से, हम आपकी और डाउन की दोनों गाड़ियाँ इसी से निकालेंगे। फिलहाल ट्रैक सुचारू रूप से कब तक चालू हो जाएगा? अभी मेरे को असेसमेंट करने दीजिए, मैं अभी आया हूँ, जस्ट थोड़ा सा असेसमेंट करके फिर मैं आप लोग को एक जानकारी दे दूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। थैंक यू सर।